मऊ तहसील के अंतर्गत आने वाले गर्ल्स स्कूल चौराहे और प्रताप बाल मंदिर स्कूल रोड पर लगने वाली चौपाटी के संबंध में छावनी परिषद ने विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। बता दें कि यहां लगने वाली चौपाटी को छावनी परिषद ने फूड कोर्ट के बाहर शिफ्ट कर दिया था। कुछ दिन व्यापार करने के बाद ठेला संचालकों ने छावनी परिषद का विरोध करते हुए वापस ठेले पूर्व स्थल पर लगा लिए। ठेले वालों का आरोप था कि फूड कोर्ट के बाहर हमारा व्यापार नहीं चलता, जिसके चलते आज छावनी परिषद ने विधायक उषा ठाकुर और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक रखी। बैठक में ये तय हुआ कि जो ठेला व्यापारियों ने दो जगहों बताई है उस पर विचार किया जा रहा है। जो हमारे पर ठेला पे कामकाज करने वाले भाई बहन हैं, उनके वैकल्पिक स्थान को लेकर चर्चा हुई थी और जो तीन चार वैकल्पिक स्थान इन लोगों ने सुझाए थे वो मिलिट्री एरिया की सड़कें हैं और वो इस प्रकार से नहीं दी जा सकती। तो अभी एक नया वैकल्पिक स्थान हाट मैदान और दूसरा ड्रिल मैदान, ड्रिल शेड, दो बताया है। अभी ये सब जाके अपना तय करेंगे इन दोनों में से ये कहाँ जाना चाहते हैं। और मेरा सुझाव तो मैं इन सबको पहले दिन से कह रही हूँ कि जो मार्केट बना है वो हमने व्यापार को व्यवस्थित करने के लिए बनाया था और यदि ये लोग उसमें जाते हैं तो एक स्थायी संपत्ति इनके पास होती है, इनकी एक दुकान होती है, क्योंकि ये तो इनको तो हम जगह ही दिला देंगे हाट मैदान में या ड्रिल शेड में कर देंगे पर फूड